नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड की तीरथ सरकार राज्य के प्रमुख भाषा एवं लोक भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। साथ ही हर साल हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के चार प्रतिष्ठित साहित्यकार सम्मानित किए जाएंगे। इस संबंध में विधानसभा देहरादून में विभागीय बैठक हुई, जिसमें भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक महीने में साहित्यकार सम्मान योजना को पुनर्जीवित करते हुए सम्मान समारोह का आयोजित करने की भी बात कही है। बादराबाद सिडकुल हाईवे पर रात के अंधेरे में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला चलना शुरू हो जाता है, जिसकी चहलकदमी प्रशासन बड़े चाप के साथ हाथ पर हाथ धरे बैठकर देखता रहता है। गैस प्लांट चौकी इंचार्ज प्रवीण रावत के सख्त रवैये को देखते हुए देर रात चौकी गैस प्लांट की भाईचारा पुलिस पीठ पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए एक रेत से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर औद्योगिक क्षेत्र गैस प्लांट चौकी में खड़ा कर दिया, जिस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ समाप्ति की घोषणा पर बिफरे बैरागी अखाड़े। निरंजनी अखाड़े के फैसले को गलत बताया है। निर्वाणी अणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने ऐलान किया है कि कुंभ 30 अप्रैल तक है और अभी कुंभ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला सामूहिक मेला है, इसे समय से पहले खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला किसी के कहने से समाप्त नहीं होगा और मेला निर्विघ्न रूप से चलेगा। उन्होंने सरकार से कहा है कि मेले में श्रद्धालुओं को आने दिया जाए और उनके आने जाने में कोई रोक टोक नहीं हो। उन्होंने कहा कि कोरोना अब देश में नहीं रह पाएगा। कुंभ में हवन अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए अब कोरोना का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही है। हालांकि इमरजेंसी से जुड़े लोगों को इसमें छूट दे दी गई है और नाइट कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेर के पास मेहवर कला में अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया। मौके पर जमा लोगों की भीड़ और पुलिस बल प्रयाण कलेर थाना क्षेत्र के मेवर कला गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मूर्ति तोड़े जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। वही हंगामा बढ़ते देख कई थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा आज से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हल्द्वानी शहर में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। 10:30 बजे ही शहर की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट सहित सभी दुकानें भी बंद नजर आई थी। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात नजर आता है। पुलिस ड्यूटीज लगी हुई है जितने भी हमारे चौराहे हैं वहाँ पर, और हम लोग जीओज भी हैं, मैं स्वयं भी हूँ, उसका पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। और काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो अभी रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं या किसी को अपना बस पकड़नी है, उस तरीके के लोग भी हैं, तो उनको भी बताया जा रहा है। और जो लोग अनावश्यक अगर लग रहा है कि कोई घूम रहा है तो उनके चलान भी कर रहे हैं, और कई लोगों को अभी पूरी तरीके से पता भी नहीं है इसका। गढ़मीरपुर स्थित DBRA इंटर कॉलेज ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कॉलेज खोलकर राज्य सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया है। परीक्षा के समय बाहरी व्यक्तियों का परीक्षा परिसर में मौजूद रहना परीक्षा में चल रही भ्रष्टाचारी का पुख्ता प्रमाण है। आपको बता दें कि मामले में डॉक्टर BRA इंटर कॉलेज में चल रहे प्रैक्टिकल संबंधित परीक्षा से जुड़ा है। एक तरफ राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास स्कूल कॉलेज खोलने के लिए आदेश हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षाओं के चलते बाहरी व्यक्तियों का स्कूल परिसर में भ्रमण करना स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी को दिखाता है। ये अम्बेडकर कॉलेज का स्टाफ है जो यहाँ COVID-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए यहाँ पाया गया है। इन्होंने खुद मास्क लगा रखा है। पत्रकार हूँ यहाँ, बता रहे हैं ये और अपना कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं, अपना कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं। और ये स्टाफ नहीं हूँ भाई साहब, जो भी हैं तो मैं ये स्टाफ नहीं हूँ। इन्होंने कोई गुंडे टाइप का आदमी यहाँ बैठा रखा है जो लोगों को यहाँ ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। ये इसकी फोटो है, मेरी फोटो ले ले। कोरोना संक्रमण के चलते आज हल्द्वानी बाजार को पूर्ण बंद रखने का आह्वान सफल होता हुआ नजर आया। हल्द्वानी शहर के बाजार समेत गली मोहल्लों की अधिकतर दुकानें बंद नजर आई। पुलिस और प्रशासन की टीम साथ मिलकर पूरे बाजार का जायजा भी ले रही है। कई जगह कुछ दुकानें खुली पाई गई जिन्हें प्रशासन ने बंद कराया, जबकि नगर निगम द्वारा पूरे बाजार को सैनिटाइज कराया जा रहा है।
क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने जानकारी देते हुए बताया है कि लालकुआ वासियों को टू लेन का बाईपास दिए जाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान लालकुआ वासियों को डर था कि हाईवे में उनकी मकान और दुकानें चली जाएंगी, मगर ये संशय खत्म हो गया है और लालकुआ मौजूदा समय में यथावत चलेगा। फोर लेन को लेकर यहाँ ओवरब्रिज बनाने का सर्वे हुआ मगर ये भी संभव नहीं हो पाया। ऐसे में फोर लेन के बाईपास की कवायद शुरू हुई मगर वन भूमि हस्तांतरण की वजह से ये मामला रद्द हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई है कि लालकुआ में फोर लेन का ना सही टू लेन का नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बाईपास बनाया जाए जिसमें वन भूमि भी बहुत अधिक ना जाए और लालकुआ वासियों को बाईपास का लाभ भी मिल सके। काशीपुर के थाना आईटीआई क्षेत्र जसपुर खुर्दी निवासी महेश गुप्ता ने पुलिस से 13 अप्रैल को आईटीआई पुलिस से गुहार लगाते हुए गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आईटीआई थाना अध्यक्ष विधाता जोशी ने बताया कि जिस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी। एसआई नीलम मेहता ने लगातार ढूंढने की कोशिश जारी रखते हुए निजड़े से सकुशल 9 साल के बच्चे को बरामद कर लिया है। पुलिस को ढूंढने में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मसूरी नगर पालिका परिषद की कुछ दिन पूर्व हुई बोर्ड बैठक में नामी सदस्यों के अधिकार को लेकर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। वहीं अब नामी सदस्यों के अधिकार का मामला तूल पकड़ने लगा है। नामी सदस्य मदन मोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल ने मसूरी भाजपा मंडल को इसकी शिकायत की है जिसका संज्ञान लेते हुए भाजपा मंडल द्वारा शहरी विकास मंत्री को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि दुर्भाग्य का विषय है। कुंभ मेले में तैनात पुलिस कर्मियों के वापसी पर कोरोना टेस्ट होगा और साथ ही उन्हें आइसोलेट रहना होगा, ये कहना है पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह का। पिथौरागढ़ जनपद से लगभग 50% पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कुंभ मेले में लगाई गई है। अब जब कुंभ की समाप्ति की जा रही है तो कर्मियों की वापसी भी हो रही है। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित एपन प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मंत्री नीरू देवी। उन्होंने प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नीरू देवी ने कहा कि सल्ट चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने जा रही है। सल्ट की जनता जानती है कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार सल्ट विधानसभा का विकास कर सकती है। काशीपुर में ऐतिहासिक चैती मेले को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पर आहत बैठक में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चैती मेला स्थगित कर दिया है। बैठक में साफ कह दिया गया है कि मेले में प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर कोई रोक नहीं है, लेकिन दुकान पर कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं रात में नाइट कर्फ्यू के चलते कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। 25 प्रसाद की दुकानों को प्रशासन की ओर से अनुमति दे दी गई है। झूले सब बंद कर दिए गए हैं। पार्किंग फ्री रहेगी। अगर कोई वसूली करता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन लगातार देखा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि 4 मई से 22 मई तक होने वाले बोर्ड एग्जाम को स्थगित नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम सही समय पर कराए जाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग को भेजी गई है उसका 100% पालन कराया जाएगा और परीक्षा भी गाइडलाइंस के मद्देनजर ही कराई जाएगी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का अभी तक किसी भी तरह का विचार विभाग ने नहीं किया है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंचे जहां उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का मौका मिला। इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा है कि हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल को कम किया जाएगा। साल 2016 में बने सभी ग्रामीण क्षेत्रों से विकास प्राधिकरण की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन साल 2012 में हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, इसलिए कट मानकों के अनुसार अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण की बाध्यता है। इस बाध्यता को समाप्त करने के लिए उन्हें शहरी सचिव से बातचीत की है और बहुत जल्द ही समस्या का समाधान भी किया जाएगा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में शासन ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत किसी भी वाहन से 50% से अधिक यात्रियों को ले जाने पर पाबंदी है। ऐसे में चार धाम यात्रा संचालित कराने वाली संयुक्त रोटेशन समिति ने इसका विरोध किया है। समिति के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि यदि यह स्थिति रही तो चार धाम यात्रा का संचालन संभव नहीं है। सरकार ने 50% यात्रियों को ले जाने का फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन किराए में किस प्रकार बढ़ोतरी की जाएगी इसका जिक्र अभी तक नहीं किया गया। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए समिति के पदाधिकारियों को भी विश्वास में नहीं लिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।